अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। इस लॉकडाउन से सब लोग बोर नहीं हो रहे होंगे? घर में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके एंजॉय कर रहे होंगे। ये वक्त बहुत कम लोगों को मिलता है। ये वक्त मिला है तो इससे बोर ना होए और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ बंदा गोभी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैंने ये फर्स्ट टाइम पर्पल बंदा गोभी ट्राई किया है। लेट्स सी कैसा बनता है। बंधा गोभी और गाजर को आप हाथ से भी काट सकते हैं, बट आसानी होती है। जो फूड प्रोसेसर में मैंने उसे सारे शेड कर लिए हैं। मैंने एक पैन लिया, उसमें तेल डाला है। उसमें आप चॉप किए हुए जिंजर गार्लिक डालें, थोड़ा सॉटे करें। सॉटे होने के बाद उसमें सारे मटेरियल्स डाल दें। सॉटे होने के बाद इसमें प्याज थोड़े से लाइट ब्राउन करें, फिर उसके बाद इसमें रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और कोरिएंडर पाउडर और थोड़े से क्यूमिन पाउडर, ये सब दे के इसे थोड़ा सा लाइट रोस्ट टाइप से कर लें। फिर उसके बाद इसमें सारे श्रेड किए हुए वेजेस डाल दें। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसे सॉल्ट डाल के और उसके बाद इसे थोड़ा सा भून लें। फिर उसके बाद इसमें मैं एक करी पाउडर यूज़ करती हूँ, उससे सारे सब्जियों के टेस्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो उसमें ऊपर से टेस्ट थोड़े चेंज करने के लिए आप उसमें ऊपर से करी पाउडर डालें। फिर ये थोड़ी देर इसको ढक के पकने दें। थोड़ी देर ये पकने के बाद इसको खोल के ऊपर से गार्निशिंग के साथ कोरिएंडर डालें। अब हमारे ये शाम के टाइम हो गए हैं और मैं एक चटपटा सा चाट बनाने वाली हूँ। इस लॉकडाउन में घर पे रह के दिल करता है कुछ चटपटा खाने का।
चाट बहुत ही इजी है, बहुत तुरंत बन जाता है। आप इस चाट को किसी भी नमकीन ये सबसे बना सकते हैं नॉर्मली। उसके ऊपर आप दही डालें, दही में नमक फेंट के उसके ऊपर पूरा, और इस पे थोड़े से बॉइल्ड आलू डालते हैं। टमाटर प्याज थोड़े थोड़े छोटे छोटे काट के इसके ऊपर डाल दें। उसके बाद आप इस पे इमली की मीठी चटनी, धनिया की चटनी, आपको जो भी दिल करे इस पे चाट मसाला, और ये हमारा चटपटा चाट तैयार है।